नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर थ्री नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर किए थे और उसके भी पार्ट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्स एक्स वाई एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट हैंड में पॉजिटिव, और जो आपके ओरिजिन पॉइंट्स है, ओरिजिन पॉइंट वाई एक्स के अंदर ऊपर की साइड या अप साइड में अंदर क्या होता है आपके, या नॉर्थ साइड में पॉजिटिव, साउथ साइड में नेगेटिव होते हैं। ओके, ये हमने बेसिक काफ़ी क्लियर किया था। नेक्स्ट आपके हैं, और हमने ग्राफ बना के पॉइंट को भी सिंबल किया था। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर दोनों एक्स और वाई की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। सेकेंड के अंदर क्या आती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव। थर्ड के अंदर क्या आपके आते हैं, दोनों नेगेटिव, और फोर्थ के अंदर एक्स की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव। ओके, फिर आपके एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और क्या आंसर देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइन, आपके नेम है, एक ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, एक तो वर्टिकल एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। ओके, लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द क्वेश्चन प्लेन, कोई भी प्लेन है उस पर आपके ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइन है, उसको किस नेम से अपन इसके अंदर पहचानते हैं वो आपको करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है, आप लेंगे क्वेश्चन, आप कंप्लीट आप खुद नोट करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ। इसके अंदर ऐसे आपकी लाइनें बनेगी, ये लाइनें बन गई, ये फर्स्ट करा रहा हूँ मैं इसका, ये आपके ओ पॉइंट है जो ओरिजिन हो जाएगा। ओके, ये एक्स एक्स हो जाएगी, ये वाई एक्स, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ओके, अब इसके अंदर बोल रहे हैं कि एक तो आपकी कैसी लाइनें हैं, ओरिजेंटल ओरिजेंटल एंड वर्टिकल। ओरिजेंटल लाइन कैसी हो जाएगी आपके, ओरिजेंटल लाइन जैसे रिलेटिव वो आपके कौन सी हो जाएगी, एक्स एक्स ओरिजेंटल, ओरिजेंटल लाइन कैसी हो जाएगी आपके, ओरिजेंटल लाइन एक्स एक्स, और वर्टिकल लाइन कैसी हो जाएगी आपके, वर्टिकल लाइन वाई एक्स हो जाएगी, वर्टिकल लाइन कैसी हो जाएगी, वाई एक्स। ओके, यही आपके आंसर है फर्स्ट का, नोट कीजिए। फिर इसके अंदर दे रखा है सेकेंड नंबर, इसी फिगर से अपन आंसर नोट करेंगे तीनों के, इसमें क्या दे रखा है सेकेंड नंबर के, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ लाइन फ्रॉम बाय दीज टू लाइन, टू लाइन के अंदर अपन को क्या, इसमें पार्ट्स बन रहे, कितने पार्ट्स बन रहे, फोर, तो इसको क्या नेम से देते हैं। जैसे ये टू लाइन है, ये वाली लाइन एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये लाइन है, इस लाइन के अंदर जो पार्ट बना, जैसे ये फर्स्ट बना, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्ट। कैसे क्या कहेंगे, इसका सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू यू ए डी आर ए एंड डी क्वार्ट। ओके, नोट कीजिए, यही आपके आंसर है सेकेंड का। इसके अंदर कितना होते हैं, ये फोर होते हैं, कितना होते हैं, फोर होते हैं, ये भी आप सब नॉलेज के लिए नोट कर लो। ओके, फिर आप क्या आते हैं, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वर दीज टू लाइन इंसर्ट, आपके जो दो लाइनें हैं, टू लाइन, वो टू लाइन आपस में क्रॉस करती है, जो पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन दोनों क्रॉस हुई यहाँ पे,
तो ये पॉइंट कौन से हैं? ओ पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। कौन सा हो जाएगा थर्ड नंबर का? ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन कौन सा बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन पॉइंट ऑल जो क्या होता है, इसको कैपिटल ओ से सिंबल करते हैं। ठीक से कैपिटल ओ, और ये क्या पॉइंट होता है? जीरो जीरो होता है। यहाँ एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। ओके, ये एक्स्ट्रा के लिए नोट कीजिए, ये ओरिजिन आपके आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। फर्स्ट दे रखा द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, सेकंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द पॉइंट ऑफ डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5 कौन सा पॉइंट है। फोर्थ द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। थर्ड फॉल्ट ऐसे डी पॉइंट का आपको कौन सा एबिकेस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ एच, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द एल और एम पॉइंट। ओके, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर ये फिगर बनना है, फिगर 3.14 या 3.14। ओके, सॉल्व करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व करते हैं। पहले तो ये जो फिगर दे रहेगा वो फिगर बनाएंगे, फिर इस फिगर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन के आंसर देंगे। ओके, आपको ये भी आप बता दो, तो ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आप ग्राफ के अंदर करना है। ओके, ग्राफ लेना है और ग्राफ के अंदर ये डायग्राम बना के और सॉल्व करना। ओके, इससे क्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, क्या दे रखा है फिगर के अंदर? सेकंड नंबर क्वेश्चन, पहले फिगर बना देते हैं बड़ा सा। ये हो जाएगा वाई, ये ओरिजिन, ये एक्स, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। ओके, फिर काउंटिंग कहाँ तक करें? सिक्स तक काउंटिंग कर ले। कहाँ तक कर लेते हैं? सिक्स तक काउंटिंग कर लेते हैं चारों साइडों में। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, फिर इधर भी कर लेते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4, -5 एंड -6। फिर इधर भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस के 5 एंड माइनस के 6। फिर इधर भी कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, ऐसे बना हुआ है। फिर इसके अंदर देखना आपके क्या दे रखा है। आपको ये दिखाई तो दे देगा ना, 1, 2, 3, 4 देखता हूँ मैं, आराम से दिखाई तो दे रहा है। थोड़ा इस साइड वाले बड़े लिख देता हूँ, ये बड़े लिखने होते हैं क्या, आपको भी दिखाई देना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, फिर अब इसके अंदर देखो पॉइंट दे रखा है 1, 2, 6 लेते हैं। यहाँ से 6 से कहाँ पे लाइन हो रही है? सेकेंड वाली लाइन,
ये ऐसे लेके आ रही डॉट डॉट, यहाँ पे मैच करा देनी। ये आपका पॉइंट कौन सा, डी, फिर इधर ही आगे की ओर बढ़ रही है, कहाँ पे कट कर दिए, फाइव पे, इनको भी आगे बढ़ा दो, तो कंटिन्यू। ये हो गए फाइव पे, तो ये कौन सा पॉइंट है, बी, ओके। नेक्स्ट अब क्या बन रही है, जस्ट फाइव से लेके इधर थ्री से, माइनस थ्री और फाइव पे, इनको मैच कराना है। ये पॉइंट कौन सा हो गए आपके, एच यहाँ पे, फिर नेक्स्ट कौन सा है, माइनस फोर और टू, टू ये रहा प्लस का, और ये कहाँ पे मैच कराना है, माइनस फोर पे। ये पॉइंट कौन सा बन रहा है यहाँ पे, जी, कौन सा पॉइंट है, जी। नेक्स्ट अब कौन सा पॉइंट रहा है, एम पॉइंट, एम पॉइंट कहाँ पे है, माइनस थ्री पे एम, और ये मैच कहाँ से हो रहा है, ई यानी माइनस फाइव से, माइनस फाइव और इधर माइनस के थ्री, ओके। ये पॉइंट कौन सा दे रखा है, ई, ये पॉइंट कौन सा है, ई। नेक्स्ट अब कौन सा पॉइंट है, सी, सी पे कहाँ है, माइनस फाइव, माइनस फाइव और प्लस फाइव और माइनस फाइव, ये हमने सिक्स से बना दिया क्या, ये रॉन्ग हो गया, सिक्स से बना दिए लाइन, फाइव से करो। ये पॉइंट आपके हो जाएगा ई, ओके। अब इसको भी फाइव से मैच करा दो, प्लस फाइव और माइनस फाइव, ये पॉइंट आपके कौन सा दे रखा है इधर, सी, कौन सा है, सी, ओके। ये आपके सेकेंड नंबर क्वेश्चन के अंदर फिगर बनना है, इस फिगर से ही अपन को क्या देना है, आंसर देना है। और कौन सा पॉइंट है इसके अंदर लेफ्ट रह गया, एल, एल कहाँ है, यहाँ केवल पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है एल, और कहाँ है, सारे हो गए, ओके। अब क्वेश्चन देख के वापस, फर्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी कोऑर्डिनेट कौन से है, बी, बी पॉइंट कहाँ आ रहा है आपका, बी पॉइंट ये रहा। अब बी पॉइंट कौन कौन से मैच करा, मैंने आपको पहले बोला जैसे पॉइंट आप नोट करते समय क्या करोगे, पहले किसकी वैल्यू नोट करोगे, एक्स की, सेकेंड वैल्यू किसकी नोट करोगे, वाई की। तो यहाँ बी पॉइंट नोट करते समय कौन से पहले वैल्यू नोट करोगे, टू नोट करोगे, ये देखो मैच कहाँ कर रहा है, एक टू से एक माइनस के फाइव, तो पहले कौन सी वैल्यू करोगे, एक्स की, एक्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है, माइनस के फाइव, तो पहले माइनस फाइव और फिर वाई के वैल्यू टू नोट करनी है, ओके। तो इसके अंदर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस फाइव एंड टू, ओके, नोट कीजिए। फिर इसके अंदर दे रहेगा आपके सेकेंड, सेकेंड के अंदर क्या दे रहेगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ है, ये रहा सी, ये सी, तो पहले किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या फाइव, वाई की वैल्यू क्या माइनस फाइव, तो पहले फाइव फिर माइनस फाइव, ये सी की वैल्यू पॉइंट कौन सा है,
फाइव और माइनस फाइव वाला है। फिर थर्ड नंबर में द डिफाइंड ऑफ माइनस थ्री एंड माइनस फाइव कोऑर्डिनेट डिफाइंड करना, माइनस थ्री ये रहा माइनस थ्री एक्स का लेना और माइनस फाइव, माइनस थ्री और माइनस फाइव कौन सा पॉइंट आ रहा है ई। तो इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पॉइंट हो जाएगा ई। ओके आप नोट कर देना लाइन लैंग्वेज। फिर फोर्थ नंबर द पॉइंट इन डिफाइंड बाय कोऑर्डिनेट टू एंड माइनस फोर, टू कहाँ रहा है ये रहा और माइनस के फोर, सॉरी टू तो पॉजिटिव है ना, टू पॉजिटिव टू ये रहा और माइनस फोर ये आ रहा, कौन सा जी पॉइंट कौन सा आ रहा है जी। सेकेंड फोर्थ के अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है जी। नेक्स्ट एबिगेस ऑफ पॉइंट एंड डी, डी पे पॉइंट कहाँ डी पॉइंट ये रहा, इसके एबिगेस कौन सा है मतलब एक्स एक्स पे कौन सा लाइन आ रही है, कौन से एक्स पे है ये सिक्स पे है, तो आपके कितना हो जाएगा डी पॉइंट नोट नहीं करना, डी पॉइंट तो हो जाएगा सिक्स एंड टू, और अपन को यही पूछा है केवल, तो कितना हो जाएगा सिक्स, क्या हो जाएगा सिक्स। द ऑफ पॉइंट कितना हो गया पॉइंट डी इज इक्वल टू सिक्स। नेक्स्ट सिक्स नंबर में द पॉइंट और कोऑर्डिनेट ऑफ एच, कोऑर्डिनेट ऑफ एच, एच पॉइंट कहाँ पे ये रहा, तो इसका कौन सा आ रहा है जो आपको वाई पे लेना कोऑर्डिनेट, तो वाई पे कौन से पॉइंट तो कौन से होते हैं माइनस फाइव एंड माइनस थ्री, तो इसकी वैल्यू आपको कौन सी पूछती माइनस थ्री, इसकी वैल्यू क्या होने पर माइनस थ्री हो जाएगी। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट कोऑर्डिनेट कौन सा है देखना, वाई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे फाइव, एल पॉइंट है वाई की वैल्यू फाइव है और एक्स की वैल्यू क्या है जीरो, के जीरो और फाइव की चीज में मिल रहे हैं, तो यहाँ सेवन नंबर में क्या हो जाएगा जीरो एंड फाइव, पहले जीरो किसकी वैल्यू एक्स की नोट करोगे फिर फाइव से वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर एम पॉइंट लास्ट क्वेश्चन, एम पॉइंट, एम पॉइंट कहाँ पे है एम पॉइंट ये रहा, यस एम पॉइंट ये एक्स पे कितना है माइनस थ्री और वाई की वैल्यू है क्या है जीरो, तो क्या हो जाएगा माइनस के थ्री और वाई की वैल्यू जीरो, ये आपके आंसर है, नोट कीजिए। फिर 3.3 भी कंप्लीट कर लेते हैं, दो ही टू क्वेश्चन है इसके, इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्या दे रखा है इसके अंदर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, 3.3 के अंदर आपकी क्वेश्चन है इन विच ऑफ कर्व और ऑन विच एक्सेस टू डू इज ऑफ पॉइंट माइनस टू फोर थ्री माइनस वन जीरो वन टू माइनस थ्री माइनस फाइव। ओके लाइन वेरीफाई करना है, इसके अंदर अपन को ग्राफ बनाना है, जैसे ये पॉइंट सिंबल कर रखे हैं, जैसे ये पॉइंट अपन को गिवन है और ग्राफ बना के उसको पॉइंट को सिंबल करना है। ओके फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, सेकंड आपको खुद को सेल्फ करना होगा, ये रब करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको पॉइंट दे रहे के देखना, पॉइंट नोट कर लेते हैं, पॉइंट
ए पॉइंट अपन नेम दे देते ए पॉइंट, इसमें पॉइंट के नेम नहीं दे रहे क्या, ऐसे में पॉइंट के नेम देते तो ए है माइनस टू फाइव, बी पॉइंट है थ्री माइनस वन, सी पॉइंट है आपके माइनस का वन जीरो, और डी पॉइंट है वन टू, और ई पॉइंट है आपके माइनस थ्री एंड माइनस फाइव। ये फाइव पॉइंट दे रखे हैं, इसको अपन को क्या करना है, लाइन पे ग्राफ बना के सिंबल करना है। ओके सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा ओरिजिन, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये वाई। ओके यहाँ हो जाएगा वन टू थ्री फोर और फाइव, फाइव फाइव तक ले लेते हैं। माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस थ्री, माइनस फोर और माइनस का फाइव। नेक्स्ट वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फिर वापस वन माइनस, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड माइनस फाइव, ये वैल्यू। अब इसके अंदर ये बना दिया आपने, अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंटर को क्या पॉइंट दे रहे क्या, माइनस का टू एंड फोर। तो माइनस टू कौन सी लाइन पे देखोगे, एक्स वाली लाइन पे देखोगे, तो इधर तो आपके क्या आ रहा है, राइट हैंड में पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव कौन सी एक्स की लाइन ये है। अब कौन पॉइंट पे जाओगे, माइनस टू पे, तो ये माइनस का टू। अब माइनस का टू कौन से मैच कर रहा है, फोर, और कैसा है वाई की वैल्यू, और कैसी है पॉजिटिव, तो ऊपर की ओर। तो ऐसे मिला हुआ मैच करोगे, यहाँ पे ये डॉट डॉट बना देता हूँ मैं, ये यहाँ पे आ रहे हैं ये फोर और ये टू, ये पॉइंट हो जाएगा ए, और इस ए का पॉइंट का क्या नेम हो जाएगा, टू माइनस का और फोर। ओके नेक्स्ट बी पॉइंट क्या है, थ्री और माइनस वन, थ्री कैसा पॉजिटिव, और फर्स्ट में थ्री आ रहा है तो थ्री कौन सा एक्स पे, ये थ्री और माइनस का वन, ये इस साइड में हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है बी, और क्या है थ्री और माइनस वन। फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, सी, सी में क्या दे रहेगा, माइनस का वन, माइनस का वन जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या जीरो, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो माइनस वन यही पॉइंट हो जाएगा आपके सी माइनस वन। ओके क्या हो जाएगा यहाँ सी पॉइंट, माइनस वन जीरो। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहेगा, डी, डी में क्या है वन टू, तो वन एक्स का और टू वाई का मैच करा दो, ये वन और टू, कौन सा पॉइंट है डी वन टू। ओके नेक्स्ट ई, ई में क्या है माइनस के थ्री एंड माइनस फाइव, तो एक्स की वैल्यू भी माइनस है थ्री और वाई की भी माइनस फाइव, कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, ये एक्स की वैल्यू है माइनस के थ्री और वाई की वैल्यू है माइनस के फाइव, तो इन दोनों को मैच कराने हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस के थ्री, अब यहाँ से इनको वापस मैच करा देते माइनस फाइव से। ओके ये आपके पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ई, ई पॉइंट हो जाएगा माइनस के थ्री और माइनस फाइव, कैसे देखना, ये माइनस थ्री, ये एक्स और माइनस थ्री जा रहा है अंदर, और इधर माइनस के ये फाइव। फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज किसकी होती है, एक्स की, और सेकेंड वैल्यू किसके होते हैं वाई की। ओके आपके इसी की सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आपकी टेबल बनी हुई है और एक्स की सीट में एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की सीट में वाई की, तो आप ऐसे ही पॉइंट बना के फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो एक्स का वैल्यू और वाई की वैल्यू पॉइंट करके ये ग्राफ बना के आपको इसके अंदर पॉइंट सिंबल करने हैं और कुछ नहीं करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है। ओके एक्स की वैल्यू फर्स्ट में माइनस टू और वाई की एट हो जाएगी, तो पॉइंट बन जाएगा ए, पॉइंट क्या बन जाएगा माइनस टू एट, बी पॉइंट बन जाएगा माइनस वन और सेवन, सी पॉइंट बन जाएगा जीरो और माइनस के वन पॉइंट टू फाइव,
बी पॉइंट बन जाएगा 1 3 और ई पॉइंट बन जाएगा 3 और माइनस 1। ओके, या आप खुद को सेल्फ करना होमवर्क में सेकेंड नंबर क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन के साथ आपके चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट और चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गए। चैप्टर थ्री कंप्लीट हो गए, कौन से फर्स्ट सेकेंड 3। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।